नमस्ते, मैं शैलेंद्र हूँ और आप देख रहे हैं अवध खबर। इस वक्त हमारे साथ में लालजी वर्मा जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं कटेहरी विधानसभा में, और इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे क्या अभी माहौल चल रहा है, असमंजस बैठाया जा रहा है, क्योंकि आप नवंबर में समाजवादी पार्टी में आए हैं, इससे पहले अब लंबा समय आपने बसपा में गुजारा था अपना। जी, चुनाव का समय चल रहा है और हमें समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी समर्थक एकजुट होकर इस चुनाव में भाजपा के कुशासन को समाप्त करने के लिए और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्य करेंगे और इस जिले की 5 की 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी की जीतेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कि जो पूरा एक कैडर है, आप लोग तो जनता दल के समय से में थे, इसके बाद फिर आप बसपा में गए हैं, उसका अपना एक कैडर है, वो जैसे काशीराम साहब का जो पूरा मिशन था, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी उस मिशन को आगे लेके जा पाएगी? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और माननीय श्री अखिलेश यादव जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा और डॉक्टर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के विचारधारा को सम्मिलित करते हुए इस प्रदेश में विकास के लिए और इस प्रदेश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इन तीनों महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार उत्तर प्रदेश में समतामूलक समाज की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनके बहुत सारे जो ऐसे बयान हैं वो दे रहे हैं, एक सांप्रदायिक, कुछ लोग उनको सांप्रदायिक बयान ठहरा रहे हैं, और पिछली दफ़ा हमने देखा था किस तरह से एक बहुत बड़ा तबका जो है, जो सोचने समझने वाला अगर हटा दिया जाए, बहुत बड़ा तबका OBC का भी उसमें गया था, सवर्ण तो था ही उधर, और उन्होंने बहुजन कम्युनिटी का जो सबसे आखिरी पायदान पे उन लोगों पे भी अपने मतलब एक कब्जा किया था। आपको लगता है इस बार परिवर्तन देख रहे हैं इसमें? निश्चित रूप से 5 साल की सरकार की विफलता और महंगाई की चरम सीमा पर होना, विकास कार्य का न होना और उनकी जो भाषा है, जिस तरह से एक अपराधी किस्म का व्यक्ति भाषण देता है, लोगों को सबक सिखाने का उस तरह की भाषा का प्रयोग करना, इससे जनता ऊब चुकी है। और इस बार जो किसान है उसकी फसल को भी खुले जानवरों से जो हानि हो रही है, जिस तरह से खाद, बिजली, डीजल की महंगाई हुई है, उसके आधार पर और किसान अपनी फसल को नहीं बेच पा रहा है, उसके कारण उनके सारे जो वो फार्मूले हैं हिंदू मुस्लिम के, वो फेल हो जाएंगे। और इसमें बहुजन तबके की क्या भूमिका रहेगी आने वाली सरकार में? बहुजन समाज भी पूरी तरह से आज ये महसूस कर रहा है कि समाजवादी पार्टी ही उसके विचारों के अनुरूप काम करेगी। और एक आखिरी मेरा सवाल यह है कि जून में चिट्ठी जारी होती है, इसके बाद नवंबर तक, क्या इस बीच में बसपा सुप्रीमो से आप लोगों की बातचीत कुछ हुई कि समझाने के लिए क्यों ऐसा हुआ? नहीं, उन्होंने कोई बात किया नहीं। हम लोगों ने बहुत प्रयास तो ज़रूर किया लेकिन उन्होंने बात नहीं किया। और हमारा ये मानना है कि आज बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा से विचलित हो चुकी है। पहले नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज नारा वो परिवर्तित होकर हो गया है कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और समाज का जो उपेक्षित वर्ग है आज वो बसपा से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो अभी हम बात कर रहे थे पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा जी से, और एक लंबा कार्यकाल आप बसपा में रहे हैं, नवंबर में आप समाजवादी पार्टी में आए हैं। आप देख रहे थे अवध खबर, मैं शैलेंद्र हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।